का निधन हो गया। जी हां, आज दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। इसी बीच दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने की है 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ये बड़ी अहम जानकारी। और इस बीच में सीएम अशोक गहलोत ने भी ये बड़ा फैसला लिया और आज अवकाश का ऐलान कर दिया। तो अपने आप में एक दिग्गज नेताओं में से एक, वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं है और आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और एक तरफ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीर आपके सामने है, आप देखिए यहां पर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने अंतिम दर्शन किए, अंतिम विदाई जो है वो दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।